गुलबर्गा जिले के चिंचोली तालुका के रटकल गांव में कदीम महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का छिल्ला है, मगर अब कुछ सालों से वहां पर रटकल पुलिस स्टेशन बनाया गया है। वहां के लोगों का कहना यह है कि उस महबूब सुबहानी के छिल्ले को जाने के लिए एक पुराना रास्ता हुआ करता था, मगर पुलिस स्टेशन बनने के बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो गांव वाले नाराजगी जताते हुए पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें उस छिल्ले को जाने का पुराना रास्ता खोल के दें, मगर कुछ उसकी वजहात और खोलने का जरिया नज़र नहीं आने के बाद वो लोग नाराज़ होकर धरने पर बैठ गए। उसके बाद उस मौके पर ईशा पंत वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद एसपी ईशा पंत मैडम ने गांव वालों से, हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे बिल्कुल पूरी करेंगे और आपका पुराना जो रास्ता था छिल्ले को जाने का वो खोल कर देंगे, मगर कुछ दिन बीत रहे हैं मगर इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो आज रटकल गांव के लोग मिलकर एसपी ईशा पंत के पास आए उनसे मिलने के लिए, मगर ईशा पंत कुछ कुछ ऑफिशियल वर्क के चलते वो बिजी थे, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी इनामदार डीएसपी को दी। तो इनामदार साहब रटकल के गांव के लोगों से वादा किया कि कुछ ही दिनों में वो लोग इस चीज़ पर फैसला लेकर दरगाह को जाने के छिल्ले के रास्ते को खोल कर देंगे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। रटकल गांव का क्या है, महेश्वानी का जो दरगाह का जो कंपाउंड वाल का जो छिड़ी का जो इशू है, इशू के बारे में क्या आएगा? तो धरना रख लिए थे हम, आज का दिन धरना था। एसपी मैडम जो बोले आओ आके क्या आएगा, तो थोड़ा बातचीत से हल करेंगे बोले, आए आ जाओ। एसपी मैडम नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम से क्या आएगा तो दूसरी तरफ गए। हमारे इनामदार सर क्या आएगा तो एसपी उनके पास जाके उनके उनसे बात करे, तो 2 दिन का उन्होंने मोहलत लिए। तुम्हारे क्या आएगा तो हल करके क्या आएगा, तो तुम्हारा वो छिड़ी का जो प्रॉब्लम है, छिड़ी का इशू मैं क्लियर करके देता हूँ बोल बोले। हम भी सर को बोले कि मोहरम है, जो अब मोहरम का जो पीरा है, पीरा का जो जो करबला के फातिया जो होते हैं, वो फातिया के हिसाब से क्या आएगा, तो कंपोज वाल जो है जो पीरा का जो रास्ता क्या आएगा तो काट के दिए, तो करबला का फातिया को तो सीधा होता, सीधा उन दरगाह दिखते। अब इसलिए क्या आएगा तो हम साफ के नहीं है, साफ क्या है 2 दिन में हल करके देते बोल के आश्वासन दिए। हाँ रास्ता था, जो पुलिस स्टेशन वाले क्या है कंपाउंड वाल उठा के पैक कर दिया उसको, जो पूरा बहुत पुराना रास्ता है, वो जो दरगाह का जो पुराना रास्ता है। अब क्या आएगा तो कंपाउंड जो दरगाह जो है स्टेशन के अंदर है, इसलिए कंपाउंड वाल उठा के क्या आएगा तो वो रास्ता क्या बंद करे, इसलिए क्या आएगा तो हम वो कंपाउंड वाल खोलने के लिए क्या आएगा तो साफ करने आए थे। धरना दिए, 1 महीना धरना दिए, उस टाइम में क्या एसपी मैडम आए थे। आगे क्या उन्होंने जो बोले, मैं तुम्हारे क्या आएगा तो 1-20 दिन का टाइम दो, मैं क्या है तुम्हारे को ये कंपाउंड वाल तोड़ के रास्ता देते बोल के बोले थे। तो अब तक वो इशू क्लियर नहीं हुआ। आज आए मैडम के पास तो मैडम नहीं थे, तो एसीपी सर उन्होंने इनामदार सर थे, उन्होंने बोले 2 दिन का एक टाइम दो, उसमें क्या आएगा तो मैं मैडम के साथ मैं जो डिस्कस करके क्या आएगा तो वो रास्ता खोल के तुम्हारे को छिड़ी क्या है जो पुराने छिड़ी है वही रास्ते से जाने के लिए परमिशन देंगे या तुम्हारे को सलेक्शन करेंगे बोल के बोले। जो जो पुराने छिड़ियाँ हैं वहाँ से हमारी आस्था जुड़ी है सर, जो जितने मुस्लिम के जो हिंदू है मुस्लिम है सबकी आस्था जुड़े से वो छिड़िया वो जो रास्ता हमारे को होना बोल के सर कने आए। यार ये दयवेटो नोड़ी, ये तो पुर्तम हिड़ो हादी अद रही आयतो बसवेश्वरी मंदिर ना वैयाद न्याय अल कंदरी माड़ो तिंगगंटले आगत आयतो पोलिस अकड़ बा अंतर तंदी नम पोलिस बेको ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಾದಿ ಒಡೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅದ ರೀ ನಮಗೆ.